कैटरीना कैफ का आज 16 जुलाई को जन्मदिन है। आपको बता दें, कैटरीना कैफ इतनी ज्यादा लोकप्रिय विक्की कौशल से शादी करने के बाद नहीं हुई जितनी ज्यादा लोकप्रिय है वो सलमान के साथ नाम जोड़ने के बाद हुई थी। लेकिन आज बर्थडे के दिन आपको बता दें कि कैटरीना कैफ 40 साल की हो चुकी है और अपने पति विक्की कौशल के साथ जन्मदिन मनाने के लिए एक खास जगह पर भी गई है। लेकिन आपको बता दें कि कैटरीना कैफ का नाम इससे पहले सलमान खान और रणबीर कपूर के साथ भी जुड़ चुका है। लेकिन आपको बता दें, सलमान खान ने जन्मदिन के इस मौके पर कैटरीना कैफ को अलग ही अंदाज में विश किया। उन्होंने बर्थडे की मुबारकबाद देते हुए एक लंबे विशेज कैटरीना कैफ को के साथ अपने बयान में साझा। सलमान खान ने कैटरीना कैफ पर जान छिड़कते हैं, इस बात को बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता। कई इंटरव्यूज ऐसे हैं जब सलमान खान ने साफ तौर पर इस बात का शोक जताया कि उन्होंने विक्की कौशल से शादी क्यों की। सलमान खान अपनी जान से भी ज्यादा कैटरीना को प्यार करते थे, लेकिन बावजूद उसके सलमान की किस्मत में हमेशा खालीपन ही था। पहले ऐश्वर्या नहीं मिली, उसके बाद कैटरीना कैफ, लेकिन सलमान आज भी शायद इसीलिए शादी नहीं कर पाए। लेकिन सलमान ने बर्थडे के मौके पर कैटरीना को जिस तरह से विश किया, हर कोई उनके तारीफों में कसीदे पढ़ रहा है और सच्ची मोहब्बत की मिसाल कायम कर रहा है। लेकिन आप सभी सलमान और कैटरीना की जोड़ी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।